वेलकम टू सुमित प्रॉपर्टीज। आज हम आपके लाए हैं 3BHK का फ्लैट, बहुत ही बढ़िया फ्लैट है। आप लोगों की कंप्लेंट रहती है लोकेशन नहीं बताते, इसमें हम आपको लोकेशन बता दें, हल्दीराम से 300 से 400 मीटर के बीच में हमारा ये फ्लैट है। और बिल्कुल मेट्रो स्टेशन भी जाना हो आपने, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस, तेलंगा मेन मार्केट जाना हो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आपको कोई पब्लिक कन्वेंस नहीं करनी पड़ेगी, कोई रिक्शा नहीं, कोई कुछ नहीं, वॉकिंग डिस्टेंस पर भी जा सकते हैं आप। और फ्लैट की बात करें, 3BHK का फ्लैट दिखा रहे हैं, जिसमें कि 3BHK को आपको नीचे देंगे, बहुत ही बढ़िया फ्लैट देंगे, ऊपर भी रूफ पर भी 1BHK है, 1 रूम आपको रूफ पर भी देंगे, और टेरिस गार्डन के साथ पूरा फ्लैट लाए हैं। बहुत बढ़िया फ्लैट है, आपको आज दिखाते हैं हम, बहुत बढ़िया फ्लैट। हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल के आइकॉन पर आके ऑल पर प्रेस जरूर करें, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे, अच्छी अच्छी वीडियोस आप देख सकेंगे और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्लैट ले सकेंगे। अपनी रिक्वायरमेंट बताने के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अपने रिक्वायरमेंट बताने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 9891556069 पे। अगर आप विजिट करना चाहते हो आप विजिट भी कर सकते हैं हमारे ऑफिस में, सुमित प्रॉपर्टीज 8/11 तिलकनगर न्यू दिल्ली 18, जो कि बिल्कुल तिलक हल्दीराम की लाइन में है, वहाँ से 50 मीटर्स की दूरी पर है। और डॉक्टर कत्याल है वहाँ पर, उसके बिल्कुल अपोजिट हमारा ऑफिस है सुमित प्रॉपर्टीज के नाम से, वहाँ आके आप विजिट कर सकते हैं, फ्लैट देख सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं। आइए अब हम आपको दिखाएंगे अपना फ्लैट, अपना टेरिस गार्डन और नाइट व्यू भी दिखाएंगे जरूर। आइए चलते हैं नीचे अपने फ्लैट पे। ये देखिए हम अपनी बिल्डिंग के बाहर आ चुके हैं, जैसे कि हमने बताया लोकेशन और रोड की बात कर रहे थे, कितनी बढ़िया रोड है आप खुद देख सकते हैं, इधर से भी देखें कितनी बढ़िया रोड है, दोनों तरफ से आपको दिखाएंगे हम। इसके बाद ही हम आपको दिखाते हैं अपनी बिल्डिंग का एलिवेशन, एलिवेशन की बात करें कितना बढ़िया एलिवेशन है, आप खुद देख सकते हैं फ्रंट पर भी लाइट्स लगे हैं, कितनी बढ़िया एलिवेशन है। फ्रंट पर भी हमने देखो कि आइटम्स भी लगाए हैं, कितनी बढ़िया लग रही है आपको देख सकते हैं, नीचे पूरी लाइटिंग है, डोर लगा रखे हैं, डोर से लगे हैं, कितने बढ़िया है पूरा डोर देखेंगे, एसएस का डोर है पूरा फंडंग मैक्स के साथ। अब आपको लेके चलते हैं अपनी स्प्रिंट पार्किंग के अंदर, जो कि आपको पार्किंग दिखाएंगे, बहुत ही बढ़िया पार्किंग है। साइड पर देखें पूरी रूफ टॉप तक की टाइल्स लगी पड़ी है, कितनी बढ़िया डिजाइनिंग है, ऊपर रूफ में भी देखेंगे, पार्किंग की सीलिंग में भी देख सकते हैं आप, प्रोफाइल लाइट्स लगी हुई है,
लोग फ्लैट के अंदर लगाते हैं उधर, और पार्किंग में भी लगा रखी है, कितनी बढ़िया लग रही है आप लोग देख सकते हैं। और स्पेस की बात करें, कितना बढ़िया स्पेस दिया हुआ है, आराम से कार्स वगैरह आपकी इजिली आती है इसमें। और ये देख सकते हैं स्टेयर्स के साथ ही हमारा वाटर कनेक्शन दिया हुआ है, मोटर्स वगैरह जहाँ आपकी लगेंगी। इसके साथ ही हमारे ऑफिस की लिफ्ट बाहर की टाइल्स देखेंगे व्हाइट कलर की, कितनी बढ़िया टाइल्स लगी हुई है इसमें, और कितनी बढ़िया आपको पार्किंग दिखाई है आप खुद देख सकते हैं इसमें। अब आपको हम लेके चलते हैं अपने फ्लैट पर, आइए लिफ्ट से चलते हैं अपने फ्लैट पर चलते हैं, आपको फ्लैट दिखाएंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे रूफ टेरेस गार्डन के साथ, आइए चलते हैं। देखिए हम लिफ्ट से अपने फ्लैट पर पहुंच चुके हैं, हमारे फ्लैट की बाहर की लॉबी है, लॉबी की बात करो कितनी बढ़िया लॉबी है, लिफ्ट के बाहर कूड़ा में कितनी बढ़िया टाइल्स लगी पड़ी है हमारी। इसके साथ ही देखेंगे हमारा डोर आ गया एंट्री गेट है, पूरे डोर में डिजाइनिंग देखेंगे कितनी बढ़िया, देखें कितने बढ़िया डिजाइनिंग के साथ साइड लगे हैं, ग्लास लगे हुए हैं, और हैंडल की बात करें डोर के कितना बढ़िया हैंडल दिया हुआ ऊपर से नीचे का आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारा लॉक जो है पासवर्ड वाला है, पासवर्ड था कि जैसे यूज करना चाहे कर सकते हैं, हमने पासवर्ड लगाया हुआ, अभी पासवर्ड से खोलते हैं। यह देखिए हमारा गेट खुल गया, अंदर चलते हैं, अंदर आ चुके हैं, बिल्कुल एंट्री पे देखेंगे हमारी वॉल, देखेंगे कितनी बढ़िया डिजाइनिंग के साथ वॉल है, इसके साथ में देखेंगे पूरे वॉलपेपर और लाइटिंग लगी हुई है वॉल के अंदर, कितनी बढ़िया लग रही है। और ये देखेंगे हमारी कितनी बढ़िया हमारी वॉच लगी हुई है, कितनी प्यारी है और एंटिक करें। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे हम अपना ड्राइंग रूम, आइए ड्राइंग रूम में हम आ चुके हैं, ड्राइंग रूम की बात करेंगे, स्पेस की बात करें कितना बढ़िया हमारा स्पेस दिया हुआ है आप खुद देख सकते हैं, स्पेस की बात करें कितना बढ़िया स्पेस है हमारा ड्राइंग रूम में, और पूरी पीछे सोफे सेट के पीछे देखेंगे हमारी वॉल पर कितनी बढ़िया डिजाइनिंग करके हमारी सीनरी लगी हुई है, कितनी बढ़िया लग रही है। इसके ऊपर हायर का एसी आ गया, उसके ऊपर देखेंगे हमारी फॉल सीलिंग, फॉल सीलिंग की डिजाइन देखेंगे कितना बढ़िया डिजाइन है हमारा फॉल सीलिंग का आप खुद देख सकते हैं इसमें, कितनी बढ़िया डिजाइनिंग के साथ है। उसके नीचे आएंगे ये मिरर लगा हुआ हमारा सन ग्लास में मिरर है पूरा, इसके नीचे देखें पूरा यू में सोफा सेट, सोफा सेट की बात करें पूरा यू में आपको देख सकते हैं कितना बढ़िया सोफा सेट है, इधर लाइन में इधर पर हमारी सेटी आ गई है। इसके पीछे स्पेस देखें, यहाँ पर छोटे मोटे डेकोर के आइटम्स आप रखना चाहे रख सकते हैं, कितनी बढ़िया कितनी अच्छी लगेंगी। सेंटर में हमारे सेंटर टेबल आ गए, नीचे देखेंगे फ्लोरिंग देखें कितनी बढ़िया हमारी फ्लोरिंग है आप खुद देख सकते हैं, टाइलें मार्बल के लग रहा होगा पूरी टाइल्स है हमारी। ये हमारी ट्रॉली आ गई जो कि आप सर्विस ट्रॉली की आई तुम्हारी, कितनी बढ़िया सर्विस ट्रॉली आप देख सकते हैं। बिल्कुल सोफे सेट के सामने देखेंगे हमारा पूरा एलईडी पैनल आ गया, एलईडी पैनल बात करें कितना बढ़िया एलईडी पैनल है, सेंटर हमारा एलईडी आ जाएगा, नीचे हमारे शॉकेस रखे हैं दो जिसमें कि आप सेटअप बॉक्स या टाटा स्काई का बॉक्स लगा सकते हैं, नहीं तो आप होम थिएटर लगा सकते हैं, ये डेकोर के आइटम्स रख सकते हैं यहाँ पर, जैसे हमने रखी हुई है शेड्स वगैरह मिले वो रख सकते हैं। ये देखेंगे ग्रुप देखें कितना बढ़िया एलईडी पैनल बनाया हुआ, नीचे देखेंगे पूरे ड्रॉर्स हैं इसमें हमारे, इसमें आप छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, दोनों साइड दिए हुए हैं ये हमने आपको देख सकते हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम में जो कि मास्टर बेडरूम है हमारा, आइए मास्टर बेडरूम में आपको लेके चलते हैं। ये लॉबी में जैसे कि हमने एंट्री वॉल दिखाई थी, इस साइड देखें पूरी डिजाइनिंग हुई है, लाइटिंग हुई है, और ये हमारे की होल्डर्स लगे हुए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप जैसे भी यूज करना चाहें ले सकते हैं। ये हम आ चुके हैं अपने मास्टर बेडरूम में, मास्टर बेडरूम की बात करें कितना बढ़िया हमारा मास्टर बेडरूम है आप देख सकते हैं, बेड देखेंगे कितनी बढ़िया क्वालिटी की हुई है, पीछे ग्रीन कलर की क्वालिटी है पूरी, पूरी वॉल पे देख सकते हैं क्वालिटी है, और साइड पे दोनों साइड हमारे कॉर्नर्स लगे पड़े हैं जिसमें ड्रॉर्स दिए हुए सामान रखने के लिए, ये चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ, ये एसी का पॉइंट दिया हुआ हमने आप देख सकते हैं इसमें, एसी का पॉइंट भी है। इसके साथ हमारा पीछे देखेंगे वॉल पेपर देखेंगे कितना बढ़िया वॉल पेपर लगा हुआ हमारा गोल्डन में। अब आपको दिखा रहे हमारी फॉल सीलिंग, फॉल सीलिंग की बात करें कितनी बढ़िया हमारी फॉल सीलिंग आप खुद देख सकते हैं इसमें। इसके साथ जैसे कि हमने बताया हमारा मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम में आपको वार्डरोब भी चाहिए, आपको अटैच वॉशरूम भी चाहिए, हर चीज दिखाएंगे हम, पहले आपको दिखाते हैं अपने वार्डरोब, वार्डरोब देख सकते हैं आपको पूरी खोल के दिखाएंगे, ऊपर से लेके नीचे पूरा स्पेस है, ऊपर पूरी रूफ टॉप तक की वार्डरोब है हमारी, जिसमें ये सेंटर में आ जाओगे यहाँ पर हैंगिंग रॉड है जिसमें आप क्लोथ्स वगैरह हैंगिंग कर सकते हैं, ब्लेजर साड़ी से हैंगिंग कर सकते हैं। ये हमारा ड्रॉअर आ गया, इसमें नीचे भी स्पेस दिया हुआ है, उसके नीचे देखें पूरे शू रैक दोनों साइड, इस साइड की पूरी वार्डरोब देख सकते हैं, नीचे देखें पूरे शू रैक है हमारे, शू रैक की बात करें कितने बढ़िया शू रैक है। इसके साथ बेड के आगे देख सकते हैं हमारी काउच रखा हुआ है, और पूरी नीचे फ्लोरिंग देखेंगे, नीचे फ्लोरिंग देखें पूरी वुडन लुक टाइल्स हैं इसमें, कितनी बढ़िया टाइल्स लग रहे हैं जो कि थिक और मार्बल की तरह होती है, वॉशेबल रहती है कभी खराब नहीं होती है टाइल्स। इसके बेड के सामने देखेंगे हमारा एलईडी पैनल, यहाँ एलईडी आ जाएगा, नीचे हमारे डेकोर के आइटम्स रख सकते हैं, सेटअप बॉक्स रख सकते हैं, हमारा ड्रॉअर आ गया। इसके साथ ही हमारा ड्रेसिंग, जैसे कि ड्रेसिंग यूज कर सकते हैं या स्टडी टेबल बना सकते हैं, चेयर रखी हुई है। अब हम आपको दिखाते हैं जैसे कि हमने बताया कि हमारा मास्टर बेडरूम है और अटैच वॉशरूम, आइए अटैच वॉशरूम दिखाते हैं इसमें हम, और ये ट्राई बेड एरिया अलग किया हुआ है इसमें हमने बिल्कुल, और ये देखेंगे टाइल्स देखेंगे ग्रे कलर की कितनी बढ़िया टाइल्स लग रही है आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा ड्राइटर आ गया, हैंगर की फिटिंग्स होती है हमारी, ड्राइटर टैब ऊपर शॉवर,
हैंडवेयर के साथ ही हमारी आगे वॉल हैंगिंग सूट सीट जो कि पुशवॉल रहती है और नीचे से उठ के रखती है वॉल हैंगिंग रहती है। और ये हमारा मिरर आ गया, ये देख सकते हैं यहाँ पर वॉश बेसिन और नीचे हमारी वैनिटी, इसमें सामान रखना चाहे छोटा मोटा इसमें आप सामान रख सकते हैं। डोर की बात करें पूरा टफन ग्लास डोर है इसका, वॉशरूम का खुद देख सकते हैं इसमें। और इसके वेंटिलेशन की हम बात करें कितना बढ़िया वेंटिलेशन है, सीधा बाहर वेंटिलेशन आप खुद देख सकते हैं, बाहर बालकनी से कहेंगे तो दिखा देंगे आपको। पीछे की बालकनी में चलते हैं, आप आइए वॉशिंग एरिया बालकनी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हम कितनी बढ़िया बनी हुई है हमारी, ये देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया बालकनी है हमारी, आपको देख सकते हैं यहाँ पे झूला रखा हुआ है, ये आप फ्रंट पे भी रख सकते हैं, पूरी टाइल्स लगी पड़ी है आपको देख रहे हैं। यहाँ पर शॉकेट आ जाएगा, ये हमारा टैब है जो कि वॉशिंग मशीन के लिए। और इसके साथ ही ये दिखा देते हैं हम, जैसे बता रहे हैं वेंटिलेशन सीधा बाहर है, आपको ये भी दिखाएंगे, ये देखिए पूरी टाइल्स लगी है, इसके साथ वेंटिलेशन आ गया है, वॉशरूम का हमारा पूरा बाहर है वेंटिलेशन। और पूरी देख सकते हैं नेचुरल लाइट कितनी अच्छी आ रही है। अब वापसी चलते हैं अपने बेडरूम में आ चुके हैं, अब आपको लेके चलेंगे अपने ये सबसे बढ़िया और सबसे जरूरत वाली चीज में, जो कि 1 BHK हो, 2 BHK, 3 BHK हो या 4 BHK हो, आपको जरूरत होती है। सबसे पहले लेडीज आएंगी देखेंगे क्या, किचन, किचन की बात कर रहे हैं हम, किचन में लेके चलेंगे आपको। किचन इसकी बहुत बढ़िया बनी हुई है और पूरी यू में किचन दिखाएंगे। किचन में लेके जाने पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पर जाकर और भी प्रेस जरूर करें, जिससे हमारा अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे, आप देख सकेंगे और अपनी रिक्वायरमेंट के साथ फ्लैट ले सकेंगे। अपनी रिक्वायरमेंट बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट बताने के लिए हमें कॉल कर सकते हैं 9891556069 पे, विजिट करना चाहें विजिट कर सकते हैं हमारे ऑफिस में आके सुमित प्रॉपर्टीज 8/11 तिलक नगर न्यू दिल्ली 18 जो कि बिल्कुल हल्दीराम के पास है, नियर हल्दीराम है, हल्दीराम से आएंगे 4th building 24th 5th building में ऑपोजिट डॉक्टर कत्याल के हमारे ऑफिस है सुमित प्रॉपर्टीज। आइए आप लेके चलते हैं किचन, आपको लेके चलते हैं अपने किचन में, ये देखिए आप किचन में आ चुकी हैं। किचन देखेंगे पूरे यू में किचन है, यहाँ से एल में यहाँ आ गई और बाकी किचन हमारी यहाँ आ गई, सिंक आ गए। और इसकी देखेंगे सेल्फ, देखेंगे कितने बढ़िया कलर है, ग्रे कलर में सेल्फ है। और पीछे टाइल्स देखें पूरी प्योर व्हाइट कलर की टाइल्स लगी हुई है। इसमें हम आपको दिखाएंगे पहले स्टोरेज, ऊपर की स्टोरेज की आप खुद देख सकते हैं, इसमें सेल्फ डल जाएगी हमारी, इसमें भी सेल्फ कहेंगे तो हम डाल के देंगे आपको जैसे आपको जरूरत हो, जैसे इसमें डली हुई है सेल्फ आप खुद देख सकते हैं। और ये हमारी शॉफ्ट है, इधर वेंटिलेशन की बात करें तो ये हमारी शाफ्ट आगे सीधा हमारा वेंटिलेशन यहाँ बाहर जाएगा, चिमनी का पाइप सीधा ऊपर से यहाँ जा रहा है। चिमनी और हॉब हम आपको सेमी फर्निश में भी देते हैं, फुली फर्निश में भी देते हैं, जैसे भी फ्लैट लेंगे चिमनी हॉब हमारी सबसे कॉम्प्लीमेंट्री रहती है इसमें। और ये आगे हमारी इनोटेक किचन, जैसे कि हमने आपको बताया टोटल किचन हमारी इनोटेक रहती है, टोटल सॉफ्ट क्लोजर ये देख सकते हैं। स्टोरेज की बात करें सारी स्टोरेज दिखा देंगे पहले आपको, उसके बाद दिखाएंगे कि जो कि हमारी किचन में सबसे जरूरी और सबसे बढ़िया चीज लगती है कि पार्टीशन जो होता है सारा मार्बल का है, पीछे पूरी टाइल्स नीचे पूरी टाइल्स रहेंगी आप खुद देख सकते हैं, इसमें सारा पार्टीशन हमारा मार्बल्स का रहता है इसमें, ये इसमें आराम से भी देख लेंगे आप, पीछे पूरी टाइल्स है, नीचे भी पूरी टाइल्स है, साइड पूरा मार्बल का पार्टीशन है। इसके साथ ही हम दिखाते हैं अपने सिंक, ये हमारे आगे डबल सिंक लगी हुई है, ये हमारा आरओ पॉइंट है, यहाँ हमारी टैप्स आएंगी तो जो कि सिंक में आपके काम आएंगे, एडजस्टेबल रहते हैं। ऊपर आ गई हमारी GTBT और ये आर ओ का स्विच आ गई, आर ओ लगा के यहाँ पर स्विच दे सकते हैं, इसके ऊपर भी चाहे तो आप गीजर लगाना चाहे यहाँ लगा सकते हैं। इसके साथ हम आपको दिखाते हैं हमारी स्टोरेज, जैसे कि इस साइड की हमने दिखाई नहीं थी। तो एक चीज और हम दिखाते हैं, इसके नीचे भी हमारी है ये स्टोरेज, पूरी देख सकते हैं छोटा मोटा सामान रख सकते हैं पूरी इनोटेक किचन के साथ। और इसके साथ ही हमारी आगे पेंट्री, पेंट्री आगे ऊपर से नीचे स्टोरेज या सेंटर हमारा माइक्रोवेव ओवन रख सकते हैं यहाँ पर आप। और ये हमारा फ्रिज आ गया, फ्रिज की स्पेस भी आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हो गई, पूरा तोशिबा का फ्रिज रखा हुआ हमने पूरा डबल वाला, आप खुद देख रहे हैं कितना बढ़िया फ्रिज है हमारा। दोनों साइड खोल देते हैं, ये फुली फर्निश्ड का पार्ट रहता है ना कि हमारा सेमी फर्निश्ड का। इसके साथ किचन के सामने ही आपको दिखा दें कि हमारी स्टोरेज कितनी बढ़िया स्टोरेज दी है और कितनी बढ़िया डिजाइनिंग के साथ सीनरी लगी हुई है, ये आप देखेंगे डेकोर की आइटम्स रखे हुए हैं। आप चाहें तो यहाँ मंदिर बनाना चाहे मंदिर बना सकते हैं, जैसे यू में लेना चाहे आपको सारे स्टोरेज सारे ड्रॉर्स खोल के दिखाएंगे ऊपर के पहले, ये हमारी पूरी स्टोरेज है, पूरे ड्रॉर्स खोल के दिखाती है आपको हमने, अब नीचे के सारे खोल के दिखाएंगे जो भी आपकी पूरी स्टोरेज रहेगी, ये देख सकते हैं। हम जहाँ वुडवर्क का हमें मिलता है चांस कि यहाँ पर स्टोरेज बनानी चाहिए हम वहाँ बनाते हैं, कि स्टोरेज की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए पूरे फ्लैट पे आपको देख सकते हैं, क्योंकि आजकल स्टोर रूम्स तो बनते नहीं, स्टोरेज इतनी उतनी कम है। ये देखिए पूरी स्टोरेज आ गई हमारी, अब आपको लेके चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम में, आइए सेकंड बेडरूम में चलते हैं। ये देखिए हम सेकंड बेडरूम में आ चुके हैं, बेडरूम की बात करेंगे इतना बढ़िया हमारा बेडरूम है आप खुद देख सकते हैं। पीछे इसके कुल्टिंग देखें कितनी बढ़िया कुल्टिंग है, बेड पे डिजाइनिंग देखें कितनी बढ़िया, और दोनों साइड पे कॉर्नर देखेंगे कितने बड़े कॉर्नर है, देखिए पूरे ड्रॉर्स है दोनों साइड पे दिए हुए हमने। अब बेड के ऊपर आएंगे सीनरीज लगे हैं, सीनरीज के ऊपर देखेंगे आप हमारा आयर का एसी, एसी के साथ ही हम दिखाते हैं अपने फॉल सीलिंग जो कि हर बेडरूम हर फ्लैट में हम बताते हैं
अलग रहती है, फॉल सीलिंग के अंदर ही देखिए लाइटिंग रहती है हमारी, सेंटर में हमारा काउंटर का फैन रहेगा, उसके नीचे इस साइड डालेंगे तो बेड के सामने बिल्कुल हमारा वार्डरोब आ गई, पूरी रूफ टॉप की वार्डरोब होती है, ऊपर भी स्पेस दिया हुआ है, सेंटर हमारी हैंगिंग रॉड है जिसमें आप क्लोज कर हैंगिंग कर सकते हैं ब्लेजर्स वगैरह, ये हमारा ड्रॉअर है यहाँ लगेगा, इसके नीचे पूरा स्पेस दिया हुआ हमने स्टोरेज के लिए, आपको देख सकते हैं। इसके साथ ही हमारा आ गया एलईडी पैनल, एलईडी पैनल की बात करें कितने बढ़िया कलर वुडन और व्हाइट में एलईडी पैनल है, नीचे देखेंगे यहाँ पूरा ड्रॉअर बनाया हुआ हमने, कितना बढ़िया लग रहा है आप खुद देख सकते हैं। ये नीचे की अब इसमें दिखाते हैं हम फ्लोरिंग, फ्लोरिंग की बात करें पूरी वुडन लुक टाइल्स है, बहुत ही बढ़िया टाइल्स रहती है, थिक रहती है, मार्बल की तरह होती है जो कभी खराब नहीं होती। अब हम आपको लेके चलते हैं अपने अटैच वॉशरूम में और अपने लास्ट थर्ड बेडरूम में, उससे पहले दिखाते हैं हमारी लॉबी, लॉबी में देखेंगे पूरी सीनरीज लगी हुई है, डिजाइनिंग है वॉल पे, और इसकी फॉल सीलिंग देखेंगे कितनी बढ़िया हमारी फॉल सीलिंग है, आप खुद देख सकते हैं, वॉल्स भी देख सकते हैं और सीलिंग भी देख सकते हैं, देखिए कितना बढ़िया लगा हुआ है। इसके साथ ही हमारी आगे वैनिटी जहाँ की वॉश मशीन आ जाएगी, हमारा लुकिंग मिरर आ गया, नीचे देखें पूरी वैनिटी है जो कि स्पेस दिया हुआ हमने सामान वगैरह रखने के लिए। अब आपको दिखाते हैं अपना वॉशरूम, वॉशरूम की बात करें तो ड्राई बेड एरिया बिल्कुल रख दिया हुआ है, पूरे टाइल्स देख सकते हैं ब्लैक कलर में व्हाइट कलर में कितनी बढ़िया टाइल्स लग रही है। इसके साथ ही देखेंगे शॉवर पैनल, हमारा पूरा शॉवर पैनल दिया हुआ, कितना बढ़िया शॉवर पैनल आप खुद देख सकते हैं, इसमें बहुत ही बढ़िया शॉवर पैनल। और वेंटिलेशन की बात करें इसमें सबसे बढ़िया वेंटिलेशन है, सीधा बाहर जा रहा है, आपको बालकनी के भी दिखाएंगे पूरा वेंटिलेशन हमारा बाहर है, ये टफन ग्लास डोर लगा हुआ है कि पानी उधर और इधर वेट और ड्राई रहे। और ये हमारा आगे वॉल हैंगिंग सीट जो कि पुश वॉल है, ये देखिए ऊपर कितने बढ़िया आर्टिफिशियल प्लांट्स रखे हैं हमारे, कितने बढ़िया लग रहे हैं आप खुद देख सकते हैं, फ्लावर्स भी रख सकते हैं हम ये आर्टिफिशियल। उसके साथ ही ये वॉश मशीन आ गया, ये हमारा लुकिंग मिरर आ गया जो कि लाइटिंग वाला है, इसके नीचे हमारी वैनिटी है पूरी, ये देख सकते हैं नीचे पूरी वैनिटी आ गई हमारी, इतनी बढ़िया वैनिटी है। डोर की बात करें पूरे ग्रुप देखिए कितना बढ़िया डोर बनाया हुआ है वॉशरूम का। अब आपको दिखाएंगे अपना थर्ड बेडरूम जो कि बहुत ही बढ़िया बेडरूम है हमारा, स्पेस देख सकते हैं आप कितना बढ़िया स्पेस दिया हुआ है इसमें हमने, कितना बढ़िया बेडरूम बना हुआ है, पीछे कुल्टिंग देखेंगे ग्रे कलर में कितनी बढ़िया कुल्टिंग है आप खुद देख सकते हैं, इसके ऊपर देखेंगे साइड पर तो वॉल पेपर की बात करें कितना बढ़िया वॉल पेपर है, लाइटिंग देखेंगे कितनी बढ़िया लाइटिंग, रात को आप पढ़ाई कर रहे हो सारे सो रहे हैं आपके साथ सो रहा है कोई तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते तो आप फोकस कर सकते हैं लाइट का पूरा। अब इसके ऊपर आपको हम दिखाते हैं पूरी अपनी फॉल सीलिंग, फॉल सीलिंग की बात करें कितनी बढ़िया डिजाइनिंग के साथ फॉल सीलिंग है, सेंटर देखें क्रॉम्पटन का व्हाइट कलर हमारा फैन लगा हुआ है कितनी बढ़िया लग रही है। इसके साथ ही आ जाएंगे हम इधर वार्डरोब पे, फॉल सीलिंग के नीचे वार्डरोब देखेंगे, ऊपर पूरा स्पेस दिया हुआ स्टोरेज के लिए रूफ टॉप तक के लिए, नीचे देखें पूरी वार्डरोब है जो कि पूरी हैंगिंग रॉड लगी हुई जिसमें क्लोथ्स वगैरह हैंगिंग कर सकते हैं, ये आ जाएंगे हमारा पूरा ड्रॉअर बना हुआ कितना बढ़िया ड्रॉअर है, स्पेस देख सकते हैं नीचे पार्टीशन चाहे पार्टीशन डाल सकते हैं, नीचे भी पूरा स्पेस दिया हुआ, उसके नीचे पूरा हमारा शू रैक आ गया कितना बढ़िया शू रैक है आप खुद देख सकते हैं। आपके बेड के सामने बिल्कुल हमारा एलईडी पैनल जो कि बहुत ही बढ़िया एलईडी पैनल बना हुआ, कितना बड़ा बना हुआ ये देख सकते हैं, पीछे व्हाइट कलर में डिजाइनिंग देखें बिल्कुल सेपरेट डिजाइनिंग है, अलग डिजाइनिंग है, यहाँ हमारा एलईडी आ जाएगा, नीचे हमारे स्विचेज हैं सॉकेट है और पूरा एलएनटी के स्विचेज हैं सॉकेट्स हैं। इसके साथ ही देखेंगे ड्रेसिंग, ड्रेसिंग की बात करें कितना बढ़िया ड्रेसिंग बना हुआ, पूरी स्टोरेज है अंदर, बाहर देखेंगे लुकिंग मिरर आ गया हमारा। इसके साथ ही हम लेके चले आपको अपनी बालकनी में, ये बालकनी क्या बात करें, बालकनी की बात करें तो कितनी बढ़िया हमारी बालकनी है, पूरी वॉशेबल है, पूरे टाइल्स है ऊपर, पूरी टाइल्स साइड पे टाइल्स ऊपर की लाइटिंग भी देख सकते हैं सीलिंग में कितनी बढ़िया लाइटिंग है इसमें हमारी। इसके साथ ही हम दिखाते हैं हमारा वेंटिलेशन, जैसे हमने वॉशरूम से आपको दिखाते हैं वेंटिलेशन है कितना बढ़िया वेंटिलेशन लग रहा है आप खुद देख सकते हैं। इस साइड भी दिखाते हैं आपको हम पूरी बालकनी और बाहर का व्यू भी दिखाएंगे इसमें हम आपको, कितना बढ़िया हमारा रोड का व्यू है बिल्कुल देख सकते हैं, कितनी बढ़िया हमारी 25 फुट की रोड है जैसे कि हमने आपको बताया नीचे, कितनी बढ़िया व्यू रोड है आप खुद देख सकते हैं इसमें कितना बढ़िया लग रहा होगा। अब आपको अपने बेडरूम वापस लेके चल रहे हैं, आइए अब आपको दिखाएंगे अपनी टेरिस गार्डन, अब लेके चलेंगे यहाँ से हम आपको टेरिस पे, टेरिस पे लेके जाके आपको पहले दिखाएंगे डे व्यू, उसके बाद दिखाएंगे बहुत ही बढ़िया हमारा नाइट व्यू जो कि बहुत ही बढ़िया रहेगा आप देखना जरूर। अब चलते हैं अपनी रूफ पर, आइए ये देखिए हम अपने रूफ की लॉबी पे आ चुके हैं जो कि रूफ पर आओगे पहले तो ये आपको अंदर स्टेयर से ऊपर आते ही ये लॉबी दिखेगी, लॉबी है जिसमें आप स्टोर बनाना चाहें या यहाँ पर अपना जैसे यूज लेना चाहे छोटा मोटा सामान लेना है बाहर बनाना चाहे सेपरेट यहाँ बाहर बना सकते हैं बहुत बढ़िया रूफ देगा आपको। इसके साथ ही आप दिखाते हैं जो कि हमने बताया आपको हमारा रूम पर ही वन रूम है, आइए रूम पे लेके चलते हैं और बिल्कुल सेपरेट रूम दिया हुआ है आप देख सकते हैं, रूम की बात करें कितना बढ़िया हमारा रूम है स्पेस देख सकते हैं, यहाँ पर आपका बेड आएगा अभी हमने फर्नीचर रखा हुआ है आपको जो कि हमारा रूफ के ऊपर टेरिस गार्डन में रखना है अभी रखा नहीं अंदर रखा हुआ पेंट करके आपको पूरा बढ़िया सा रख के दिखाएंगे। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं अपनी फॉल सीलिंग, फॉल सीलिंग देखें कितनी बढ़िया फॉल सीलिंग है और फाइन लाइट्स के साथ कितनी बढ़िया लग रही है आप खुद देख सकते हैं व्हाइट कलर में, नीचे फ्लोरिंग की बात करेंगे टोटल वुडन लुक टाइल्स दे रखी है हमने इसमें कितनी बढ़िया टाइल्स है इसके अंदर,
आप खुद देख रहे होंगे। अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर हमारा एलईडी लगा सकते हैं, नीचे स्विच दिया हुआ, शॉपिंग देगा, होम थिएटर बनाना चाहिए यहाँ पर आप होम थिएटर भी अपना इजिली बहुत बढ़िया बना सकते हैं। इसके साथ ये हमारा रूम पर एक वॉशरूम है जो इस रूम के अटैच दिया हुआ है, देख सकते हैं पूरी सीट लगी है, ग्रे कलर की टाइल्स है, कितनी बढ़िया टाइल्स लग रही है आप खुद देख सकते हैं। वॉश बेसिन भी दिया हुआ है, टैप्स भी दिए हुए हैं यहाँ पर पूरा। आप कोई गेस्ट रूम बनाना चाहे, कोई होम थिएटर बनाना, जैसे आप यूज करना चाहे ले सकते हैं। ये देखिए पीछे की बालकनी है, आप देख सकते हैं इसमें पीछे भी टैप दिया, वॉशिंग एरिया भी यहाँ दिया हुआ, कितनी बढ़िया लग रही है आप खुद देख लेंगे। अब हम आपको देख सकते हैं इसमें से बाहर रखते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि रूम उधर है और हमारा टेरेस गार्डन इधर, बिल्कुल सेपरेट दिया हुआ है। इसे टेरेस भी आता है, इसमें घूमने जाना घूमने जाएगा, बिल्कुल सेपरेट नहीं है। अब आपको एक टेरेस गार्डन पे ये देखिए, हम आ चुके हैं अपने टेरेस पे, और टेरेस गार्डन की बात करें कितना बढ़िया टेरेस गार्डन बना हुआ है आपको दिखा दें, और स्पेस देख सकते हैं, ये देख सकते हैं हमारा बार टेबल। सबसे पहले दिखाएंगे हमारा ये बार टेबल आ गया, बार टेबल यूज कर सकते हैं यहाँ एज अ, आप बफे लगाना चाहें इस पर बफे लगा सकते हैं, खाना रख सकते हैं। इसके पीछे वॉल देखें कितनी बढ़िया डेकोर की वॉल्स है हमारी, इसके ऊपर देखेंगे पूरे हैंगिंग है, उस पर हैंगिंग कर सकते हैं ग्लासेस वगैरह करने, जैसे आप जो चीज हैंगिंग करना चाहें। प्लांट्स देखेंगे सारे नेचुरल प्लांट्स और नेचुरल प्लांट्स भी लगे हुए, पीछे कारपेट देख सकते हैं कितने बढ़िया डिजाइनिंग के साथ हमारी रूफ बनी हुई है। इसके साथ ही हमारा रूफ पर झूला भी है, आप देख रहे हैं झूला भी लगाया हुआ हमने, कितना बढ़िया झूला है हमारा आप खुद देखेंगे। इसमें पूरी लाइटिंग के साथ है, इस टाइम लाइटिंग नजर नहीं आ रही आपको, लेकिन नाइट व्यू जरूर दिखाएंगे जिसमें पूरी ये लाइटिंग दिखाएंगे कि आप गेट टुगेदर करें आराम से, यहाँ से 50-40 बंदों गेट टुगेदर कर सकते हैं और लाइटिंग की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखेंगे शीट्स लगी हैं कितनी बढ़िया डिजाइनिंग के साथ है। यहाँ पर हमारे अभी प्लांट्स लगेंगे, नीचे भी देख सकते हैं प्लांट्स लगे हुए, यहाँ पर प्लांट्स आएंगे। और ये सिटिंग एरिया दे दिए यहाँ पर आप ये सोफा सेट रखना चाहिए यहाँ पर रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर जैसे हमने अंदर आपको फर्नीचर दिखाया था वो भी रख सकते हैं। ऊपर देखेंगे ऊपर भी हैंगिंग किए हुए हमारी लाइटिंग है, पूरी लाइटिंग नीचे फोकस कर रही है, आप खुद देख रहे हैं कितनी बढ़िया हमारी टेरेस गार्डन है। अब आपको दिखा चुके हैं अपना डे व्यू जो कि हमने आप देखा है, डे व्यू है। अब आपको दिखाते हैं हम नाइट व्यू, ये देखिए नाइट व्यू में देखिए हम आ चुके हैं, हम नाइट व्यू को दिखाएंगे आपको वीडियो पूरे टेरेस गार्डन का, इतना बढ़िया टेरेस गार्डन हमारा बना हुआ है आपको दिखा रहे हैं। जो आइए पहले ये दिखाएंगे सिटिंग एरिया, जो हमारा सोफा सेट पूरा लगा हुआ है, लाइटिंग देखें कितनी बढ़िया लाइटिंग है, और कम से कम 7-सीटर सोफा सेट लगाया हुआ है यहाँ पर, कम से 7 बंदे यहाँ पर इजिली बैठ सकते हैं आप खुद देख सकते हैं। और लाइटिंग के ऊपर की बात करें कितनी बढ़िया लाइटिंग है आप खुद देख सकते हैं पूरा, और यहाँ पर साइड की भी लाइटिंग देखिए, साइड पर जैसे हमने कहा था आपको लाइट्स दिखाएंगे कितनी बढ़िया लाइट्स लगी हुई हैं। यहाँ हैंगिंग प्लांट्स आएंगे अभी हमारे, ये हमारा झूला आ गया देखिए, ये पूरा झूला है हमारा कितना बढ़िया झूला लगा हुआ है। और आराम से गेट टुगेदर करना हो, रात की पार्टी करनी हो आपने 30-40-50 बंदों की, आराम से इजिली रूफ पर कर सकते हो, कोई लाइटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी बढ़िया लाइटिंग है आपके यहाँ हमने दी हुई है, पूरी टेरेस गार्डन इतना बढ़िया बनाया हुआ आप खुद देख सकते हैं। इसके साथ ये देखेंगे हमारा बार टेबल, जैसे हमने दिखाया था बफे वगैरह, इसके पीछे आप डिजाइनिंग देखेंगे कितनी बढ़िया, रात को लाइट पड़ गई तो कितनी बढ़िया डिजाइनिंग लग रही है पीछे की। अब हम आपको लेके चलेंगे अपनी लॉबी से, लॉबी में फिर लेके दिखाएंगे आपको नाइट व्यू का अपना बेडरूम जो हमारा रूफ पे बना हुआ है। ये देखिए लॉबी में देखेंगे, लॉबी में कितनी बढ़िया लाइटिंग है हमारी आप खुद देख रहे हैं, कितनी बढ़िया लाइटिंग लग रही है और कितनी बढ़िया फ्लोरिंग है, पूरी गुना लोग टाइल्स लगे जैसे हम नीचे लगाते हैं। इसके साथ ही हम आ गए यहाँ पर, ये भी सिटिंग एरिया हमारा लोग टेरेस के, जैसे डे व्यू में भी हमने आपको बताया था वैसे बता रहे, ये एरिया भी हमारा वहाँ का है। इसमें अब लाइटिंग देखेंगे रात की तो कितनी बढ़िया लाइटिंग सीलिंग लग रही है, प्रोफाइल लाइट के साथ कितनी बढ़िया लग रही है सीलिंग आप खुद देख रहे हैं इसमें। और ये आ गया हमारा वॉशरूम, ये देखिए दिन में वॉशरूम दिखाया था आपको, वॉशरूम की बात करें कितना बढ़िया वॉशरूम बना हुआ हमारा, लाइट भी लगा दें देखिए, ये देखिए वॉशरूम में पूरी लाइट दी हुई है हमने, कितनी बढ़िया लाइट है आपको देखेंगे, पूरा लाइट व्यू आपको दिखा दिया, डे व्यू भी दिखा दिया, पूरा टेरेस गार्डन दिखाया और फ्लोर दिखाया है 3 BHK प्लस 1 BHK रूफ पर जहाँ हम खड़े हैं। पूरा बेडरूम है, पूरा गेस्ट रूम बनाना चाहिए, गेस्ट रूम बनाया, होम थिएटर बनाया, होम थिएटर। और आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी जरूर हमें नीचे कमेंट्स में बताएं वीडियो कैसी लगी, और लाइक जरूर करें हमारे वीडियो, सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन में जाकर ऑल पर प्रेस जरूर करें जिससे सारे नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे, अच्छी अच्छी वीडियोस आप हम देख सकेंगे और हमारी अच्छी अच्छी वीडियो देख सकेंगे, और आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्लैट ले सकेंगे। रिक्वायरमेंट बताने के नीचे कमेंट बॉक्स में रिक्वायरमेंट कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं आप अपने रिक्वायरमेंट आने के इस नंबर 9891556069 पे। अब विजिट करना चाहते हो विजिट भी कर सकते हैं आप हमारे ऑफिस में, सुमित प्रॉपर्टीज 8011 नियर हल्दीराम, बिल्कुल हल्दीराम है, तिलंगा पुलिस स्टेशन के सामने वहाँ 4 बिल्डिंग छोड़ के 5th बिल्डिंग हमारा ऑफिस है सुमित प्रॉपर्टीज के नाम से, वहाँ आके आप विजिट कर सकते हैं और फ्लैट देख सकते हैं ले सकते हैं। सारी प्रॉपर्टीज हमारी हम बताते हैं बार बार, जैसे कि लोनेबल प्रॉपर्टीज रहती हैं, टोटल प्रॉपर्टी वाली लोनेबल है, कोई भी प्रॉपर्टी आप ले लीजिए हमारी जिस पर हम लोन देते हैं और लोन करवाते हैं हम,
इसके साथ ही हमारा फ्लैट देख चुके हैं आप, आइए ऑफिस में देखें, ऑफिस में आके विजिट करके अपने रिक्वायरमेंट बता सकते हैं, कितने परसेंट लोन लेना है, क्या सब फ्लैट लेना है, 1 BHK 2 BHK 4 BHK आपको हम फ्लैट देंगे, आप फ्लैट लेंगे। और थैंक्स फ्रॉम सुमित प्रॉपर्टीज़।